है यूपी के सरकारी हॉस्पिटल्स में आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमीरपुर जिला हॉस्पिटल में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां डॉक्टर्स की बजाय स्वीपर मरीजों का इलाज करता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को हमीरपुर के जिला हॉस्पिटल में किस तरीके का इलाज मिल रहा होगा। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये नजारा है बुंदेलखंड के हमीरपुर जिला अस्पताल का, जहां आप तस्वीरों में एक शख्स को देख रहे होंगे जो एक मरीज को इंजेक्शन लगा रहा है। लेकिन ये शख्स ना तो डॉक्टर है और ना ही फार्मासिस्ट, ये एक स्वीपर है जो मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। वहीं जब नेशनल वॉइस की टीम ने इससे सवाल किया तो सुनिए इसका क्या कहना है। सफाई करनी है यहाँ अस्पताल में। क्या कर रहे थे आप अभी? मैं वो बोतल इसके ज्वाइंट कर रहा था, नीचे से मरीज आए हैं, वो बोतल ज्वाइंट। इंजेक्शन भी लगाया है? नहीं, इंजेक्शन भी लगाया। इंजेक्शन लेगा, बोतल जाम हो गई थी, वही खोला। किसने कहा था ये करने के लिए जी? किसने कहा था आपसे ये करने के लिए? ये हम लोग तो काम आई है, हम लोग नीचे भी करते हैं, यही करते हैं अस्पताल में सबके साथ। सभी के साथ जो मतलब हो जाता बोतल तो जोड़ना पड़ता। अच्छा, अभी आपने इंजेक्शन लगाया? मैंने इंजेक्शन नहीं लगाया। आपने वहाँ भी बोतल में इंजेक्शन लगाया है? कहाँ पे बोतल में इंजेक्शन लगाया आपने? कहाँ पे बोतल में अभी इंजेक्शन लगाया है ना? नहीं नहीं, सिर्फ आप इंजेक्शन हाथ में लिए हैं ना? ये सिरिंज है, इससे सिर्फ खोला है मैंने। हाँ। ये जाम हो जाता है। हाँ। तो खोलना पड़ता है। तो यहाँ किसी ने आपको बोला हुआ है कि आपको ये? बोला हुआ है वहाँ से। वहीं अस्पताल में मौजूद नर्स ने जब नेशनल वॉइस का कैमरा देखा तो वो खुद मरीज को देखने आ गए और स्वीपर के इलाज करने के मामले पर सफाई देने लगी। अच्छे से पेशेंट लाए हुए थे, भेजा जाता है तो पेशेंट लाए थे, उनका काम है निकालना, रिटायर हो गए अपना, हमको दिया, हमने रिसीव किया। तो ये तो इंजेक्शन लगा रहे थे पेशेंट के? यह होगा मैं बोतल में जो मैंने नहीं बोला सर, जो ड्रिप लगी हुई थी। हाँ। उसमें भी इंजेक्शन दे रहे थे, प्लस जो पेशेंट के हाथ में भी इंजेक्शन लगा रहे थे। और इनका खुद का कहना है कि ये काम वो डेली करते हैं, डेली का इनका काम है, मतलब पास विभाग मतलब यहाँ पर हॉस्पिटल में सफाई कर्मी भी इलाज करते हैं। जो भी नीचे से बोला गया वो तो ये कर रहे होंगे। जिस अस्पताल में स्वीपर मरीजों का इलाज करें तो उस अस्पताल का भगवान ही मालिक है। हालांकि जब इस मामले पर नेशनल वॉइस की टीम ने प्रभारी सीएमओ से पूछा तो सुनिए कैसे वो जानकारी नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ते हुए जांच की बात कह रहे हैं। हालांकि जब जब मैंने राउंड किया है तब तक मैंने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं है। आपके द्वारा ये मेरे संज्ञान में लाया गया है कि ऐसा चिकित्सालय में हो रहा है, और अगर ऐसा पाया गया है, अगर ऐसा मेरे पाया गया है, अगर ये बात सामने आती है तो मैं उस कर्मचारी के विरुद्ध और अन्य स्टाफ के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाए, लेकिन इन अस्पतालों में बैठे अधिकारियों के पास अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए समय नहीं है। तभी तो हमीरपुर जिला अस्पताल में स्वीपर मरीज का इलाज कर रहा है। नेशनल वॉइस के लिए हमीरपुर से रिजवान अली की रिपोर्ट। और मोहम्मद रिजवान हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं, रिजवान के पास चलते हैं। रिजवान, ये तो हद ही हो गई कि अब स्वीपर तक इलाज कर रहे हैं मरीजों का, काफी कुछ ज्यादा ही आपको नहीं लगता? ये इस तरीके से कैसे हो सकता है रिजवान? देखिए खुशबू, हम आपको बता दें कि इस हॉस्पिटल में सिर्फ एक स्वीपर नहीं, दर्जन भर से ज्यादा स्वीपर हैं जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं। और बड़ी हैरत वाली बात है, सूबे की सरकार तो कहती है कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों, जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, पता नहीं उनको समझ में नहीं आती कोई बात कि कम से कम एक बार मुआयना तो आप कर लीजिए। मुआयना करने को तैयार नहीं है। जब कोई पत्रकार जाके पूछता है कि साहब आपके हॉस्पिटल में तो स्वीपर इलाज कर रहे हैं, बिल्कुल, तो वो बड़ी हैरत से देखते हैं कि लगता है जैसे हमने कोई बहुत अजूबा चीज बता दी है। तो ये हालात है हॉस्पिटल के, जहाँ स्वीपर इलाज कर रहे हैं तो वहाँ मरीजों का कितना भला होगा ये आपको धंधा। लेकिन स्वीपर यहाँ पर इलाज कर रहे हैं, नौबत आ क्यों गई है यहाँ पर रिजवान? डॉक्टर्स जो हैं, जो जिनकी तैनाती यहाँ पर की गई है, वो सब कहाँ चले गए हैं? डॉक्टर्स को फुर्सत नहीं है अपने आप से जी। डॉक्टर्स के ये हाल है हमीरपुर में, अगर देखा जाए
तो जितने भी सरकारी डॉक्टर हैं सबने अपना निजी नर्सिंग होम खोल रखा है। मरीज को वहाँ सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर देखा जाता है, उनको अपने नर्सिंग होम में बुलाया जाता है जहाँ अच्छी कमाई की जाती है। जी बिल्कुल रिजवान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए।